हेलो फ्रेंड, आज आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया है जो कि वीडियो है एलईडी का। बात में बात करेंगे जो एलईडी में कैसे के उसको सब कुछ मिलता है, अंदर में क्या क्या अंदर में रहता है, और अंदर में कैसे कार्ड आप सैमसंग अकाउंट कैसे बना सकते हैं, सबको वीडियो में बताऊंगा। और सैमसंग स्मार्ट टीवी में ऑनलाइन में न्यू आ रहा है 4380, वही मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो ऑनलाइन मॉडल है जो फ्लिपकार्ट से मिल रहा है, जो अभी यदि डिस्काउंट में करके आप लेके आएंगे तो 10,000 में पड़ता है। ये वाला दसरा वाला ऑफर में लेके आए थे, इसलिए अच्छा वाला मॉडल है। यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट में, जैसे आपको इंग्लिश सर्च कर देना है, वो HDMI कर देना है। यहाँ पे जो आपका वाईफाई कनेक्ट कर देना है, पहले जो भी कुछ वाईफाई होगा आपको कनेक्ट कर देना है। बाद में आपको कुछ भी प्राइवेसी मांगता है यहाँ पे उसका प्राइवेसी देना है, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे सब कुछ राइट करना है, वो नीचे वाला ऑप्शन ओके कर देना है। यहाँ पे आपको सैमसंग अकाउंट में मानना है, यहाँ पे जो लिंक है आपको क्रू में वही लिंक मानना है। जैसे मारेंगे वहीं पर एक कट आएगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा मोबाइल में ऐसे आएगा, आपको यहाँ पर उस कोड को फिलअप कर देना है, उसके बाद यहाँ पे उसको सबमिट कर देना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट में ये करते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। जैसे नेक्स्ट में आएंगे तो आपको मांगेगा कुछ, आपका जैसे सैमसंग अकाउंट का जीमेल होगा तो कुछ भी होगा तो दे सकते हैं। जैसे नहीं है आपका पास, आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से नेट स्लो है इसलिए ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। देखिए वो अभी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपको गूगल का, देखिए आपका जहाँ भी सैमसंग अकाउंट है आप यहाँ से कर सकते हो। यदि नहीं है, नीचे वाला जो ऑप्शन है गूगल का, वही वाला ऑप्शन को ओके कीजिए। जो भी आपका जीमेल है वहीं पे ओके कीजिए, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देख सकते हैं। कुछ समय बाद आपको सबको बता दूंगा। देखिए उस समय आपको वहीं पर रखना है, वो ऑटोमेटिक जाएगा वहीं पर आपका जीमेल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे आपका सैमसंग अकाउंट होगा तो आप ऑटोमेटिक ले जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं है तो वो प्रॉब्लम रहता है कुछ। यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया, ऐसे कर राइट राइट करने से वो हो जाएगा। जो नहीं होता है नीचे में कमेंट कीजिए, वो आपको वही लिंक दे दूंगा, वो ऑटोमेटिक कर देगा, अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है ये वाला टीवी में पहले। देखिए ये वाला जीमेल और अकाउंट जो सैमसंग अकाउंट रजिस्टर हो गया है, फॉर्मेलिटी जो हो गया है। जैसे ये टीवी आप जिस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पर HDMI, जैसे आपको HDMI जहाँ भी टीवी में रखा है 1-2 में वही पे करना रखना है, उस पर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्राइम का फ्री, एक मंथ का फ्री मिलता है। जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक मंथ फ्री मिलता है, आपको यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे न्यू टीवी में लेंगे तो एक मंथ का फ्री मिलता है, बाकी वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पहले लेंगे तो एक मास फ्री रहता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए सैमसंग प्लस टीवी, जहाँ से आपको कुछ भी चैलेंज मिलता है। जैसे आपको कुछ भी चैलेंज देख सकते हो, जो भी कुछ उसका फ्री चैलेंज रहता है, वो जो डेमो चैलेंज रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से जितना भी आपके पास टीवी रहेगा आपको यह वाला डेमो चैलेंज देख सकते हैं। यहाँ पे हॉटस्टार नेकलिस वो मेंबर रहता है, और जो ये तीनों रहता है हॉटस्टार नेकलिस वो प्राइम मेंबर, ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो तो नहीं यूज कर सकते। यहाँ भी यूट्यूब एक मात्रा है जो आप यूज कर सकते हैं फ्री में, और नेट यहाँ पे मात्रा है जो यहाँ से फ्री में नेट जो फ्री में सॉरी वही नेट आप यूज कर सकते, जैसे जी लैपटॉप से जैसे यूज करते हैं यहाँ भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। इंटरनेट यहाँ पे दिया है, जैसे फेसबुक चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज चैलेंज दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे एक मूवी भी चैलेंज दिया है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी वो क्यों, जैसे ये वाला यूज करेंगे तो नेट चाहिए, तो हॉटस्पॉट में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हॉटस्पॉट में एक कनेक्ट रहेगा तो ये यूज कर सकते हैं, तो नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आगे मैं सब कुछ वीडियो में बता दूँ। जैसे आपको रिमोट में सर्च वाला रिमोट में मारेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा AV TV, जैसे आप लगाया होगा तो HDMI आएगा, जैसे पेन ड्राइव लगाएगा तो पेन ड्राइव भी आएगा।
जैसे आपको अभी नेट कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट कर सकते, जैसे होम मारना है तो लेफ्ट साइड आना है, सेटिंग में, सेटिंग से ऊपर जाना है, देखिए उसके बाद राइट साइड आना है, जैसे एक ऑप्शन आएगा नोवा सो नेटवर्क, यहाँ पे देख सकते नोवा सो नेटवर्क आ गया है, यहाँ से ऊपर जाना है पहले, उसके बाद ऊपर जाना है तो पहले वाला ऑप्शन सेटिंग, ये नेटवर्क सेटिंग है, वहीं पे कनेक्ट करना है, वहीं पे मारना है ओके, पहले वाला नीचे वाला ऑप्शन को, उसके बाद यहाँ पे नेट कनेक्ट के लिए है, यहाँ पर आयर के लिए, वायर के लिए है, और नीचे आपको मिल जाएगा, आपको जो डंगल के लिए वो मिलेगा, आपको जो भी यूज़ करना है कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वाईफाई कनेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी वाईफाई आएगा आपको वहीं पे टच करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाईफाई आ गया है, जहाँ से कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप जैसे उसका पासवर्ड मारेंगे तो नीचे एक डाउन आएगा, वो डाउन मारना है, तो मारेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, जैसे कनेक्ट होगा कुछ टाइम लेगा, उसका कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया है, यहाँ से वो, और यहाँ से डायरेक्ट यूट्यूब देख सकते हैं, और जो भी कुछ चाहिए सैमसंग अकाउंट लॉग इन हो गए से सब कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन रहता है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन कितना रहता है वो यूज वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो आगे में देखिए एप्लीकेशन ऑल रहता है, वो जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन रहता है एंड्रॉइड में, जो एंड्रॉइड में जितना एप्लीकेशन रहता है यही स्मार्ट टीवी में उतना ही एप्लीकेशन रहता है जो सैमसंग का है, इसलिए वो सैमसंग स्मार्ट टीवी लिखा है, कहीं और एंड्रॉइड टीवी नहीं लिखा है, जितना ही फर्क है, जो एंड्रॉइड टीवी में स्टाइल में एंड्रॉइड जैसा स्टाइल होगा, यहाँ पर स्मार्ट टीवी में वही नॉर्मल रहेगा, बट वो सब कुछ कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इतना खास बना है ये। 13,000 में स्टार्टिंग रहता था, अभी जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में लेते हो कुछ भी लेते हो डिस्काउंट होके 10,000-11,000 में मिल जाता है, और ऑनलाइन में मंगाए थे, बहुत जुट मंगाए थे, इंस्टॉलेशन करने के लिए बहुत परेशान हुआ था बहुत। यहाँ पे देखते यूट्यूब ओपन कर दिए है, देख सकते हैं यहाँ से गाना बजाते थे, ऐसे गाना बजा सकते हैं, यहाँ पे कैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते, जैसे वाईफाई ऑन करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्रीन कास्ट, यहाँ पे आपको देखना है जो स्क्रीन कास्ट है वो खोजना है, आप जैसे टीवी में मोबाइल में, दोबारा से मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, स्क्रीन व्यू लिखा है यहाँ पे, देखिए स्क्रीन व्यू टच किए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे टच करना है, जैसे टच करेंगे एक टीवी में नोटिफिकेशन आएगा, देखिए ये आ गया है, देख सकते हैं, वो ओके करना है, उसके बाद ये आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, जैसे एमआई में कास्ट रहता है और कुछ स्क्रीन कास्ट रहता है और कुछ में स्क्रीन मिरर रहता है, ऐसे ही कुछ आपको मोबाइल में देखना है, वही मोबाइल आपको क्या क्या रहना है जो नहीं आता है। आज के लिए इतना ही वीडियो में, जो अच्छा लगा है आपको वीडियो में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे शेयर करेंगे सब कुछ कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो अच्छा और ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे आपको बुझा के लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।